संगोष्ठी का विषय है सामाजिक न्याय की अवधारणा और दलित साहित्य। तो दलित साहित्य के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक न्याय जो है वो किस तरह से काम कर रहा है, इस पर मैं कुछ बोलना चाहूंगी। इस पर कुछ भी बोलने से पहले सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि सामाजिक न्याय आखिर है क्या। सामाजिक न्याय को अगर हम बहुत ही संक्षेप में देखना चाहें तो इसे हम ये कह सकते हैं कि किसी भी राष्ट्र में निवास करने वाले सभी निवासियों को सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर समानता का माहौल प्रदान किया जाए, उनसे किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो, उन्हें समान अवसर प्रदान किए जाएं, तो इसे हम कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय की संकल्पना यहाँ मौजूद है। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें कि सामाजिक न्याय की अवधारणा कितना काम कर रही है, तो हम पाते हैं कि ये इस संकल्पना का एक व्यवहारिक जो स्वरूप है वो यहाँ नदारद है, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका जो है वो सामाजिक न्याय से वंचित है। और विडंबना ये है मित्रों कि जो वंचित समूह है उसको इस बात की जानकारी तक नहीं है, वो जो एक शोषित और एक वंचित और बहुत पीड़ित जीवन जीता है, तो उसके लिए उसके दिमाग में ये कंडीशनिंग कर दी गई है कि इस सब के लिए उसके कोई पूर्व जन्म के जो कर्म है वो उत्तरदायी है। इस वो अपने वास्तविक शोषकों को पहचानता तक नहीं है। तो दलित साहित्य ने एक महत्वपूर्ण काम यह किया है कि उन्होंने लेखन के माध्यम से उन वंचित समूहों को यह बताने की कोशिश की है कि उनका ये जो वस्तु स्थिति है, उनकी जो ये दशा है, इसके लिए कोई पूर्व जन्म के कर्म नहीं है। इसके लिए फला व्यक्ति, फला साहूकार, फला जमींदार वो उत्तरदायी है। यही शोषित परिस्थितियां को लेकर दलित समुदाय में, दलित साहित्य में बहुत सारी रचनाएं की गई हैं। मैं बहुत सारी रचनाओं के नाम ले सकती हूँ जिनमें जो है शोषण के बहुत सारे स्वरूप आप देख सकते हैं। अगर आप जूठन को उठाकर देखोगे तो उसमें आप देखोगे किस तरह से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को शिक्षा ग्रहण करते हुए किस तरह से प्रताड़ित होना पड़ा। अगर आप यही स्थिति अगर आप नेमिश्राय की भी आत्मकथा को देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारी स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। मित्रों बहुत सारे नाम हैं इस कड़ी में, शोषण के बहुत सारे स्वरूप आप दलित रचनाओं में स्थान स्थान पर बिखरे हुए पाओगे। सुशीला काकोरे जी की आत्मकथा शिकंजे का दर्द में एक बहुत ही मार्मिक वस्तु स्थिति बन पड़ी है। जब सुशीला जी की सास की मृत्यु होती है तो उनके स्वर्ण मकान मालिक वहाँ पर दाह कर्म करने का और मृत्यु के पश्चात की जो भी क्रियाएं होती हैं, जो भी रस्में होती हैं, वो तब करने की उन्हें इजाजत नहीं देते हैं। सुशीला जी ने वर्णन किया है कि किस तरह से उन्हें अपने मृतक सास के शरीर को एक रिक्शे पर लेकर वो जाते हैं और किसी अन्यत्र स्थान पर जाकर फिर दाह संस्कार और दाह संस्कार के बाद की जो भी अन्य जो भी होता है वो सब उनको करना पड़ता है। तो दलित लेखकों ने दलित लेखन के माध्यम से शोषण के इस स्वरूप को और जो उस शोषण के लिए वास्तव में उत्तरदायी लोग हैं उनके चेहरों को उजागर करने की कोशिश की। मित्रों इससे भी आगे बढ़कर दलित साहित्य का काम मैं यह देखती हूँ कि उन्होंने सिर्फ जो है शोषण तक ही अपने चित्रों को नहीं रख दिया है, उन्होंने शोषण से आगे मुक्ति की आकांक्षा भी अपनी रचनाओं में व्यक्त की। ऐसी बहुत सी रचनाएं हमारे बीच में उपलब्ध है जहां पर दलित समुदाय के संघर्ष को चिन्हित किया जा सकता है, रेखांकित किया जा सकता है। उन्होंने जो है अपने आदताइयों के सामने झुकते नहीं टेके हैं, उन्होंने उनका सामना किया है। जैसे कि इस क्रम में मैं अजय नावरिया जी की कहानी इज्जत का उल्लेख करना चाहूँगी। उसकी नायिका का सवर्ण दबंगों के द्वारा बलात्कार किया जाता है, मगर बलात्कार के पश्चात
वो समाज के डर से, लोक लाज के डर से चुप नहीं बैठती है, बल्कि संकल्प लेती है कि मैं इनके विरुद्ध जितनी भी हो सकेगी वो कार्रवाई करूंगी, ताकि इनको दंड मिले और दंड मिलने के पश्चात ये इसी तरह का काम फिर किसी दूसरी महिला के साथ करने की जरूरत ना हो सके। इसी संघर्ष के इसी क्रम में मैं टेकचंद जी की कहानी उत्तरण का नाम लेना चाहूंगी। उत्तरण में दिखाया है कि किस तरह से एक सामान्य घरेलू महिला उसके प्रति अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करती है, बल्कि भरसक अपने शराबी पति का विरोध करती है। इसी संघर्ष के क्रम में मैं सुशीला टागोरी जी की कहानी दमदार का उल्लेख करना चाहूंगी, जिसकी नायिका सुमन जो है वो अपने आतताई जो जग्गू मेहमान है कमजोर होने के बावजूद वो उसका सामना करती है। मित्रों, संघर्ष के ये चित्र जो है बहुस्तरीय है। संघर्ष जो है वो किसी एक रेखीय नहीं होता है। शहरों में होने वाला संघर्ष जो है और शहरों में होने वाला दलित समुदाय के प्रति होने वाला अत्याचार है, शोषण है, उसका स्वरूप प्रत्यक्ष नहीं है। शोषण हो रहा होता है मगर वो दिखाई नहीं देता। तो इस तरह की रचनाएं भी दलित साहित्य में आई हैं। तो मित्रों, मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगी, मैं सिर्फ एक अपनी छोटी सी कविता के माध्यम से कहना चाहूंगी और उसके बाद में अपना वक्तव्य खत्म करना चाहूंगी कि प्रज्वलन के नाम पर पानी के छींटे मारकर बुझाते रहो। प्रज्वलन के नाम पर पानी के छींटे मारकर मुझे बुझाते रहो, खुद हाथ सेकते रहो, कह कहे लगाते रहो, पर अब नहीं आऊंगी मैं झांसे में, धूर्त बहेलियों के फांसे में, नहीं पड़ने दूंगी खुद पर महकावे का पानी, भीतर की अग्नि को मैं झुकाऊंगी, खुद भी तपूंगी और तुम्हें भी तपाऊंगी। धन्यवाद।